हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके साथ दीक्षा एक बार फिर हाजिर हूँ। टीवी जगत या फिर यूँ कह लीजिए ओटीटी जगत से जुड़ी एक बेहद ही दिलचस्प अपडेट लेकर, जिसे सुनने के बाद यकीनन आप भी इमोशनल हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुनव्वर फारूकी के बारे में, जो कि कॉमेडियन तो हैं ही, लेकिन उन्होंने लॉकअप के सेट पर कुछ ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे जानने और सुनने के बाद सभी इमोशनल हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि कंगना रनौत द्वारा होस्ट किया गया ये शो काफ़ी ज़्यादा जो सीक्रेट्स हैं लोगों के वो बाहर ला रहा है, और साथ ही अन्य जो सदस्य हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस शो में काफ़ी ऐसे मेंबर्स हैं जो अपनी जो जितनी भी सीक्रेट लाइफ होती है उससे जुड़ा कोई ना कोई खुलासा करते हैं, ताकि शो से जो है बाहर ना जा सके, और इसके चलते ही कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि अब तक बाहर आ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी के कुछ ऐसे सीक्रेट बाहर आए हैं जिसे सुनने के बाद कंगना रनौत भी रो पड़ी। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि आखिर मुनव्वर फारूकी ने वो क्या खुलासा किया। तो आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी जो कि पहले तक ये खुलासा कर चुके हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा भी है, हालांकि अब उनकी शादी वे बिल्कुल भी साथ नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी अलग हैं, और उनकी अभी तक कोई भी रिलेशन नहीं है साथ में। अपने बच्चे से वे मिलने की करते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, और अब उन्होंने ये खुलासा किया है कि 2007 में किस तरह से उनकी माँ की जो है डेथ हो गई थी, किस तरह से उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने ये खुलासा किया, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनकी माँ हमेशा से ही अपनी शादी से खुश नहीं रहती थी, और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि उनकी माँ ने एसिड पी लिया था जिसके बाद ही उनकी मौत हुई, जिसको ये देखा गया कि ये सुसाइड का रूप हुआ। हालांकि उस समय इस बात को बढ़ावा नहीं दिया गया था, क्योंकि मुनव्वर फारूकी खुद भी छोटे थे। उन्होंने ये बात कबूली की, अस्पताल में उन्हें ले जाया गया लेकिन वहाँ भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, जिसके बाद उनकी माँ उनके साथ नहीं रही। साथ ही उन्होंने और भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसे सुनने के बाद यकीनन आप भी इमोशनल हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2007 में उन लोगों के पास करीबन 700 रुपये भी नहीं होते थे, 3500 रुपये भी नहीं होते थे। अगर उनको मकान वाले को किराया देना होता था तो वो भी वह नहीं दे पाते थे, और वो कहते हैं कि आज मेरे पास इतने पैसे हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। आखिर आपको मुनव्वर फारूकी का ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।